मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। तो देखिए, वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट हमारा वर्ड है अम्यूज। अम्यूज का मीन्स होता है डिलाइट। अम्यूज डिलाइट। नंबर टू है शाइन। शाइन का मीन्स होता है एग्जाइल। शाइन एग्जाइल। नंबर थ्री प्लेंटी। प्लेंटी का मीन्स होता है मैनी। नंबर फोर मेक हैज़र्ड, मींस हरी जल्दी में। नंबर फाइव वुड्स। वुड्स का मतलब डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। नंबर सिक्स ब्राइडल। ब्राइडल मतलब ब्रिस्टल, यानी जो हॉर्स के ब्राइडल स्ट्रिप थी उसको बोलते हैं ब्राइडल। नंबर सेवन हार्नेस। हार्नेस मींस टैग, यानी जो गले में पट्टा होता है उसको बोलते हैं हार्नेस, यानी टैग। क्वेश्चन आंसर्स देखिए, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What did the woodcutter and his wife wish they had? Woodcutter और उसकी वाइफ ने क्या विश करी थी कि उनके होना चाहिए? तो आंसर है, the woodcutter and his wife wished they had a child. Woodcutter और वाइफ, उसके वाइफ की विश थी कि उनके एक चाइल्ड हो। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, डिस्क्राइब टॉम थॉम्स आइज। टॉम थॉम्स की आइज को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए आंसर है, टॉम थॉम्स आइज वर शार्प एंड स्पार्कलिंग। टॉम थॉम्स की आइज शार्प और स्पार्कलिंग थी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, व्हाई डिड टॉम्स फादर लाफ व्हेन टॉम सेड ही वुड टेक केयर ऑफ द कार। टॉम के फादर को हंसी क्यों आ गई जब टॉम ने बोला था कि वो कार का ध्यान रखेंगे? तो आंसर है, टॉम्स फादर लाफ बिकॉज टॉम वॉज वेरी स्मॉल एंड ही कुड नॉट रीच द हॉर्स स्ट्रिप्स। टॉम के फादर को हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि टॉम बहुत छोटा था और वो हॉर्स के स्ट्रिप तक नहीं पहुंच सकता था। अब क्वेश्चन नंबर, ये वर्क आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपकी नोटबुक के अंदर करना है। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, नंबर फोर देखिए, हाउ डिड टॉम गाइड द हॉर्स। टॉम ने हॉर्स को कैसे गाइड किया? तो आंसर है आपका, टॉम गाइड द हॉर्स बाय सिटिंग in the horses ear and told the horse how to go and where to stop. How did Tom guide the horse? Tom guided the horse by sitting in the horse's ear and told the horse how to go and where to stop. टॉम ने हॉर्स को कैसे गाइड किया था? उसके कान में बैठ के उसे बताया था कि उसे कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ रुकना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, आई विल गेट इनटू हिज ईयर एंड tell him which way tell him which way
क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाला देखिए, हु सेड दिस टू हूम, हु सेड दिस टू हूम, ये किसने किससे कहा था, तो आपको ये बताना है ये किसने किससे कहा था। आई विल गेट इन टू हिज ईयर एंड टेल हिम विच वे टू गो टू हिम, तो आंसर देखिए, आंसर है टॉम सेड दिस टू, दिस टू हिज फादर, उसने टॉम ने ये अपने फादर से कहा था। नाउ बी वाला क्वेश्चन देखेंगे, बी वाला क्वेश्चन है हु इज हिज हियर, यहाँ पर हिज किसको रेफर किया, आंसर है द हॉर्स इज हिज, यहाँ पर हॉर्स को कहा गया है, द हॉर्स इज हिज हियर, यहाँ हिज किसको किया गया है, हॉर्स को। सो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।